गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीश दिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति जागर राम काज करिबे को आदर। ब्रह्म चरित्र सुनबे को रसिया राम लगन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरी सी यही दिखावा विकट रूप धरी लंक जरावा। भीम रूप धरी असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे। लाए सजीवन लखन जी आए श्री रघुवीर हर शिर लाए। रघुपति की नी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय वरतई संभाई। सास बदन तुम रोज सगावे अस गई श्रीपति घंट लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारथ सहित अहिसा। जम कुबेर दिखपाल जहाते कवि कोविद कई सगे गाते। तुम उपकार सुग्रीव गीना नाम मिलाए राजपद दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानु। ब्रह्मुत्र का मेली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक का हूँ को डरना। आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हागते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा। संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारो जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नानिधि के दाता असबल दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबर पर जाही जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करौ गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ करे गोई छूटई बंदी महा सुख होई। जो यहाँ पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध सागी गोरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा की जय ना दिल रे मडेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भू। मंगल का दिन हनुमान का हो। मंगल का दिन हनुमान का सब संकट मिट जाते। वीर बलि बजरंग बलि की पावन कथा सुनाते। वीर बलि बजरंग बलि की पावन गाथा गाते। बोलो हनुमान की जय बोलो बजरंगी की जय। बोलो हनुमान की जय बोलो बजरंगी की जय। एक यक्ष को श्राप मिला था वही केसरी बन कर आए। फिर श्रापित प्रेयसी भी वही अंजना कहलाए। फिर स्वर्ण गिरी पर्वत पर वो आनंद से रहते थे। अपने प्रांत का शासन वो शांति से करते थे। लेते रहते नाम निरंतर भूले न मात भवानी। झोली में एक लल्ला दे दो यही कामना मांगी।
प्रसव पीड़ा हुई अंजना ने जन्मा था लल्ला। ये ही काल बने असुरों का इसी बात का हल्ला। चंद्रमा सा बढ़ता बालक उस पर जान लुटाते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। घर बालक सो रहा था और मैया कहीं गई थी, कुछ खाने को मिल जाए बालक को भूख लगी थी। कहीं दूर निकलता सूरज बस खाने को फल था जाना, उड़ के हवा में दौड़े इसे मुंह में ले लूटाना। मुख अपना फिर बहुत बढ़ाया सूरज भक्ष लिया था, जब राहू ने कहा ये जाकर इंद्र ने क्रोध किया था। वहां किया था वार हनु पर धरा पे गिर पड़ा था। चले आए फिर वायु देवता पुत्र से प्रेम बढ़ा था। हनु के कारण हनुमान बन जग में जाने जाते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। जब नगर अयोध्या आए शिव शंकर बने मदारी, वानर का नाच दिखाया खुश हो गई नगरी सारी। यूं बोले राम लखन जी ये वानर हमें दिला दो, हम वानर संग खेलेंगे अब रस्सी ये पकड़ा दो। ये शिव शंकर की लीला कोई जानन वाला जाने, वो राम को देखने आए इस बात को राम ही माने। सुग्रीव के संग में हनुमत रहते थे संग संग में, कब होंगे रघुवर राम के दर्शन रंगे भाव के रंग में। सीता खोज में आए रघुवर दास चरण गिर जाते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। बातों में भेद खुला था किस कारण रघुवर आए, सीता को ले गया रावण यूं राम लखन दुख पाए। मैं चरणों की कर सेवा यूं कहने लगे हनुमाना, कांधे पे बिठा ही लिया था मस्ती में भगत मस्ताना। सुग्रीव संग हो गई प्रीति फिर सब सलाह मिलाए, हनुमान है बलशाली ये पवन वेग उड़ जाए। दी रघुवर ने मुद्रिका जिस पर राम का नाम लिखा था, मैं करूं प्रभु राम के कारज हनुमत प्रसन्न बड़ा था। दक्षिण दिशा को उड़ के चले थे मन में ना घबराते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय।
कभी सूक्ष्म कभी बड़ा सा हनुमत ने रूप बनाया। फिर लंका में जा पहुँचे लंकिनी को मार गिराया। जहाँ रखी छुपा के सीता उस जगह कलिया नजारा। जब असुरों ने था रोका एक एक को गदा से मारा। विभीषण से फिर हुआ था मिलना अशोक वाटिका देखे। चरणों में था शीश झुकाया जहाँ माता थी बैठी। माता को दे दी अंगूठी संदेश कह के सुनाया। वाटिका फिर विध्वंस कर दी असुरों को मार गिराया। रावण के पुत्र अक्षय अपनी जान बचाना पाते। पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। रावण की सभा में पहुँचे रावण ने आंख दिखाई। लंका को राख बनाया जब पूंछ में आग लगाई। सीता की चूड़ा मणि ले उड़ के हनुमान जी आए। युद्ध भूमि में लड़े जो योद्धा लाखों ने प्राण गवाए। राम लखन ने लंका को फिर चारों ओर से घेरा। ऊपर से रावण हंसता पर दिल में घोर अंधेरा। लक्ष्मण को लग गई शक्ति हनुमान जी बूटी लाए। सूरज उगने से पहले लक्ष्मण के प्राण बचाए। लखन लाल को स्वस्थ देख कर राम प्रभु हर्षाते। पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। रावण तो अभिमानी ना बात किसी की मानी। खुद अपना कुटुंब खपाया ना पास रही राजधानी। रानी ने था समझाया पर बात समझ ना पाया। बलवान बड़ी है होनी था काल शीश मंडराया। विभीषण ने फिर भेद बताया राम ने तीर चलाया। हो गए थे फिर प्राण पखेरु धरती से पाप मिटाया। विभीषण हो गए राजा रावण का फिर अंत हुआ था। अब रघुवर फिर चले अयोध्या वनवास बीता था। प्रभु राम के सेवक हनुमत सेवा का भार उठाते। पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। फिर लौट अयोध्या आए सब घी के दीप जलाए। प्रभु राम बने थे राजा हनुमत ने चरण दबाए। विभीषण अंगद सुग्रीव नल नील जामवंत प्यारे। बहुमूल्य रतन रघुवर ने इन सब के ऊपर वारे। तब रघुवर ने सीता जी को मुक्ता हार दिया था। अनमोल जड़े थे मोती समझो के प्यार दिया था। लगी सीता फिर मन में सोचने रामदास को दे दूं।
है हनुमत ये खास हमारा, इसी को हार ये दे दूं। सच्चे दास जो होते हैं वो कभी नहीं ललचाते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय, मुक्ता हार सियाने हनुमत के गले में डाला। हुई भाग्य की बड़ी प्रशंसा, ये हार है बड़ा निराला। सुखदायक चरण कमल ही मेरे हाथों पे रख देंगे, बस इतना मन ही मन में हनुमान जी सोच रहे थे। उलट कर पलट के देखे मुक्ता हार है कैसा, ना देता इसमें तो दिखाई कुछ भी राम के जैसा। वो लगे फिर तोड़ने मोती, मोती तो पत्थर है, ना इसमें सीता राम है फिर ये क्या चक्कर है। ऐसा दृश्य देख के सभासद आपस में बतियाते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय, प्रभु रामचंद्र मुस्काए। वो सब कुछ जान गए थे, क्यों हनुमत माला तोड़े मन अपने में मान गए थे। ये वहाँ सभासद जितने लगे काना फूसी होने, ये हनुमत एक बानर है ना जाने चांदी सोने। ये मोती है अनमोले, ये जिनको तोड़ रहा है, ना देनी चाहिए थी माला ये जिसे मरोड़ रहा है। कुछ तो बोलो जरा विभीषण, रत्नों में राम नहीं है, जब इसमें प्रभु राम नहीं तो ये मेरे काम नहीं है। तेरी पहाड़ सिकाया में क्या विभीषण पूछना चाहते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय, निश्चय मेरी काया में सिया राम ने डेरा डाला। अपने ही हाथों हनुमत सीने को फाड़ भी डाला, सीने में मनोहर मूर्ति जब सिया राम की देखी। मुँह नीचे हुए सभी के जो बगाड़ रहे थे शेखी। विभीषण जी फिर गिर चरणों में, देखे सभासद सारे, बीच सभा हनुमत के भक्त गूंज रहे जयकारे। मेरे सतगुरु श्री करण सिंह मुझको भेद बताया, कमल सिंह हनुमत ने भक्त सिया राम ही गाया। जहाँ कथा हो प्रभु राम की हनुमत वहाँ पे आते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय, Thank you.
जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजय प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजय, अतुर दौरी महा सुख दीजय। जैसे कूदि सिंधु मही पारा, सुर सा बदन बैठि विस्तारा। आगे जाए लंकिनी रोका, मारे हुलात गई सुर लोका। जाय विभीषण को सुख दीन्हा, सीता निरखि परम पद लीन्हा। बाग उजारि सिंधु मह बोरा, अति अतुर यम का तर तोरा। अक्षय कुमार कुमारी संहारा, लूम लपेटि लंक को जारा। लाह समान लंक जर गई, जय जय ध्वनि सुरपुर में भई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहुर अंतर्यामी। जय जय लखन प्राण के दाता, अतुर होई दुख करहु निपाता। जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। श्री हनु हनु हनुमंत हठीले, बरी हिमार वज्र की कीले। गदा वज्र ले बैरी ही मारो, महाराज प्रभु दास उबारो। ओंकार हुंकार महाप्रभु दाओ, वज्र गदा हनु विलंब न लाओ। ओं हीं हीं हनुमंत कपीसा, ओं हों हों हनु अरि उर शीशा। सत्य हो हरि शपथ पाए के, राम दूत धरु मार धाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के ही अपराधा। पूजा जप तप नेम अचारा, नहीं जानत हो दास तुम्हारा। वन उपवन मग गिरि गृह माही, तुम्हारे बल हम डर पत नाही। पाए परो कर जोरी मनाओ, यही अवसर अब के ही गोहराओ। जय अंजन कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल गालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल काली मारी मर। इन्हें मारो तो ही शब्द राम की, रघुनाथ मर्यादा नाम की। जनक सुता हरिदास कहाओ, ताकि शपथ विलंब न लाओ। जय 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 धुनि होत आकाशा, सुमिरत होत दुसह दुख नाशा। चरण शरण कर जोरी मनाओ, यही अवसर अब के ही गोहराओ। उठ उठ चल तो ही राम दुहाई, पाए परो कर जोर मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हंग हंग हाक देत कपि चंचल, ओम संग संग सहमि पराने खल दल। अपने जन को तुरत उबारो, सुमिरत होए आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जेहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कांपे। धूप दे अरु जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। तुलसीदास नित महिमा गावे, पढ़त सुनत सब जन फल पावे। पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप। बोलिए बजरंग बली भगवान की। मंगल का दिन हनुमान का,
मंगल का दिन हनुमान का सब संकट मिट जाते। वीर बली बजरंग बली की पावन कथा सुनाते, वीर बली बजरंग बली की पावन गाथा गाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। श्री बजरंग बली भगवान की जन्म कथा अत्यंत पावन है भक्तों। एक यक्ष को जब श्राप मिला तब वे केसरी बने और उनकी प्रेयसी अंजनी बनी। दोनों अपना राज्य करते थे परंतु संतान नहीं थी। अंजना ने भगवान शिव की अनन्य भक्ति से एक चंद्रमा के समान पुत्र प्राप्त किया। एक यक्ष को श्राप मिला था वह केसरी बन कर आए, फिर श्रापित प्रेयसी भी वही अंजना कहलाए। फिर स्वर्णगिरी पर्वत पर वो आनंद से रहते थे, अपने प्रांत का शासन वो शांति से करते थे। लेते रहते नाम निरंतर भूले न मात भवानी, झोली में एक लल्ला दे दो यही कामना मांगी। प्रसव पीड़ा हुई अंजना ने जन्मा था लल्ला, यही काल बने असुरों का इसी बात का हल्ला। चंद्रमा सा बढ़ता बालक उस पर जान लुटाते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। बजरंग बली भगवान बालापन से ही अत्यंत बलवान थे भक्तों। एक बार जब उनकी निद्रा खुली माता को कहीं नहीं पाया, भूख लगी बाहर देखा तो उगते सूर्य को फल जान उन्हें निगल गए। इंद्र ने उनकी ठोड़ी पर वज्र मारा जिससे टूटी हनु के कारण उनका नाम हनुमान पड़ गया। घर बालक सो रहा था और मैया कहीं गई थी, कुछ खाने को मिल जाए बालक को भूख लगी थी। कहीं दूर निकलता सूरज बस खाने को फल था जाना, उड़ के हवा में दौड़े इसे मुंह में ले लूठाना। मुख अपना फिर बहुत बढ़ाया सूरज भक्ष लिया था, जब राहू ने कहा ये जाकर इंद्र ने क्रोध किया था। वहां किया था वार हनु पर धरा पे गिर पड़ा था, चले आए फिर वायु देवता पुत्र से प्रेम बड़ा था। हनु के कारण हनुमान बन जग में जाने जाते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। श्री हनुमान जी की एक और बाल लीला अत्यंत प्रसिद्ध है भक्तों। एक बार जब उनके मन में भगवान राम के दर्शन की अलग जगी तो भगवान शिव को मदारी बना और स्वयं वानर बन वो भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या चल दिए। आगे की कथा क्या है आइए सुनते हैं भक्तों। जब नगर अयोध्या आए शिव शंकर बने मदारी, वानर का नाच दिखाया खुश हो गई नगरी सारी। यूं बोले राम लखन जी ये वानर हमें दिला दो,
हम वानर संग खेलेंगे, अब रस्सी ये पकड़ा दो। ये शिव शंकर की लीला कोई जानन वाला जाने, वो राम को देखने आए इस बात को राम ही माने। सुग्रीव के संग में हनुमत रहते थे संग संग में, कब होंगे रघुवर राम के दर्शन रंगे भाव के रंग में। सीता खोज में आए रघुवर दास चरण गिर जाते, पवन पोत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय, सीता को खोजते खोजते जब राम लखन किष्किंधा के पास पहुंचे, तब हनुमान जी से उनका परिचय हुआ। हनुमान जी को जब ज्ञात हुआ ये तो उनके आराध्य प्रभु राम हैं, उन्हें कांधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए और उनसे मैत्री करा, माँ सीता के खोज की युक्ति करने लगे। बातों में भेद खुला था किस कारण रघुवर आए, सीता को ले गया रावण यूं राम लखन दुख पाए। मैं चरणों की करूं सेवा यूं कहने लगे हनुमाना, कांधे पे बिठा ही लिया था मस्ती में भगत मस्ताना। सुग्रीव संग हो गई प्रीति फिर सब सलाम मिलाए, हनुमान है बलशाली ये पवन वेग उड़ जाए। रघुवर ने मुद्रिका जिस पर राम का नाम लिखा था, मैं करूं प्रभु राम के कारज हनुमत प्रसन्न बड़ा था। दक्षिण दिशा को उड़ के चले थे मन में ना घबराते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय, बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। प्रभु राम की मुद्रिका मुख में डाल 100 योजन समुद्र लांग कर हनुमान जी लंका में पहुंचे। लंकिनी कुमार लंका में प्रवेश किया, विभीषण जी से मैत्री के पश्चात माँ सीता का पता लगाया, प्रभु की निशानी दी, वाटिका उजाड़ी और रावण के पुत्र अक्षय का भी वध कर दिया भक्तों। कभी सूक्ष्म कभी बड़ा सा हनुमत ने रूप बनाया, फिर लंका में जा पहुंचे लंकिनी कुमार गिराया। जहां रखी छुपा के सीता उस जगह का लिया नजारा, जब असुरों ने था रोका एक एक को गदा से मारा। विभीषण से फिर हुआ था मिलना अशोक वाटिका देखे, चरणों में था शीश झुकाया जहाँ माता थी बैठी। माता को दे दी अंगूठी संदेश कह के सुनाया, वाटिका फिर विध्वंस कर दी असुरों को मार गिराया। रावण के पुत्र अक्षय अपनी जान बचाना पाते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय, बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। रावण की सोने की लंका को राख बनाकर माँ सीता की चूड़ा मणि निशानी लाकर प्रभु चरणों में समर्पित की। सागर पर सेतु बना राम सेना लंका पहुंची, लक्ष्मण मेघनाथ का युद्ध हुआ जिसमें लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। हनुमान जी रातों रात बूटी ले आए और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए भक्तों।
रावण की सभा में पहुँचे, रावण ने आंख दिखाई, लंका को राख बनाया, जब पूंछ में आग लगाई, सीता की चूड़ा मणि ले उड़ के हनुमान जी आए, युद्ध भूमि में लड़े जो योद्धा लाखों ने प्राण गवाए। राम लखन ने लंका को फिर चारों ओर से घेरा, ऊपर से रावण हंसता पर दिल में घोर अंधेरा, लक्ष्मण को लग गई शक्ति हनुमान जी बूटी लाए, सूरज उगने से पहले लक्ष्मण के प्राण बचाए, लखन लाल को स्वस्थ देख कर राम प्रभु हर्षाते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते, बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय, प्रभु राम और अभिमानी रावण एक दूसरे के समक्ष थे। विभीषण जी के बताने के पश्चात प्रभु राम ने अग्नि बाण से रावण की नाभि का अमृत सुखाया और उसके प्राणों का अंत किया। अब पुष्पक विमान में बैठकर प्रभु श्री राम, लक्ष्मण जी और सीता जी अयोध्या वापस आ गए हैं। रावण तो अभिमानी ना बात किसी के मानी, खुद अपना कुटुंब खपाया ना पास रही राजधानी, रानी ने था समझाया पर बात समझ ना पाया, बलवान बड़ी है होनी था काल शीश मंडराया। विभीषण ने फिर भेद बताया, राम ने तीर चलाया, हो गए थे फिर प्राण पखेरु, धरती से पाप मिटाया, विभीषण हो गए राजा, रावण का फिर अंत हुआ था, अब रघुवर फिर चले अयोध्या वनवास बीता था, प्रभु राम के सेवक हनुमत सेवा का भार उठाते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते, बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय, सारी अयोध्या नगरी ने घी के दीप जला प्रभु का स्वागत किया। भरत जी की खुशियों का तो कोई ठिकाना नहीं था, भक्तों गुरुओं की आज्ञा से प्रभु राम जी का राज तिलक किया गया, माताओं ने आरती की, देश देशांतर के राजाओं ने प्रभु को अनमोल भेंटे दी और हनुमान जी राम चरणों की सेवा कर रहे हैं। फिर लौट अयोध्या आए, सब घी के दीप जलाए, प्रभु राम बने थे राजा, हनुमत ने चरण दबाए, विभीषण अंगद सुग्रीव नल नील जामवंत प्यारे, बहुमूल्य रतन रघुवर ने इन सब के ऊपर वारे, तब रघुवर ने सीता जी को मुक्ता हार दिया था, अनमोल जड़े थे मोती समझो के प्यार दिया था, लगी सीता फिर मन में सोचने रामदास को दे दूं, है हनुमत ये खास हमारा इसी को हार ये दे दूं, सच्चे दास जो होते हैं वो कभी नहीं ललचाते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते, बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय, बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। लंकापति विभीषण ने माँ सीता को अनमोल रत्नों से जड़ित एक माला भेंट की, माँ सीता ने
वो माला हनुमान जी के गले में पहना दी। हनुमान जी एक एक मनके को तोड़कर नीचे फेंकने लगे। ऐसे में सभी दरबारी उनका उपहास उड़ा रहे हैं और हनुमान जी मोतियों में राम को ढूंढ रहे हैं। तब मुक्ता हार सिया ने हनुमत के गले में डाला, हुई भाग्य की बड़ी प्रशंसा, ये हार है बड़ा निराला। सुखदायक चरण कमल ही मेरे हाथों पे रख देंगे, बस इतना मन ही मन में हनुमान जी सोच रहे थे। वो उलट कर पलट के देखे मुक्ता हार है कैसा, ना देता इसमें तो दिखाई कुछ भी राम के जैसा। वो लगे फिर तोड़ने मोती, मोती तो पत्थर है, ना इसमें सीता राम है फिर ये क्या चक्कर है। ऐसा दृश्य देख के सभासद आपस में बतियाते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय, बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। देश देशांतर के राजे रजवाड़े हनुमान जी का कौतुक देख रहे हैं और विभीषण उनके क्रोध का तो कोई ठिकाना नहीं। बोले रे वानर, क्या तुझे पता नहीं ये अनमोल मोती हैं, अनमोल रत्न हैं, इन्हें क्यों तोड़ रहा है। हनुमान जी कहते हैं, जिसमें राम नहीं वो माला मेरे किस काम की। प्रभु रामचंद्र मुस्काए, वो सब कुछ जान गए थे, क्यों हनुमत माला तोड़े मन अपने में मान गए थे। ये वहाँ सभासद जितने लगे काना फूसी होने, ये हनुमत एक बानर है ना जाने चांदी सोने। ये मोती है अनमोले, ये जिनको तोड़ रहा है, ना देनी चाहिए थी माला ये जिसे मरोड़ रहा है। कुछ तो बोलो जरा विभीषण, रत्नों में राम नहीं है, जब इसमें प्रभु राम नहीं तो ये मेरे काम नहीं है। तेरी पहाड़ सिकाया मैं क्या विभीषण पूछना चाहते, पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय, बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। विभीषण जी ने उपहास उड़ाते हुए कहा, अरे इन रत्नों में श्री राम कहाँ से आएंगे, और तू यदि राम का इतना बड़ा भक्त है तो क्या तेरे अंदर प्रभु का वास है। यह सुनकर हनुमान जी के नैनों में आंसू भर आए, अपने नाखूनों से हृदय चीरा और राम सीता का दर्शन सबको करा दिया। निश्चय मेरी काया में सिया राम ने डेरा डाला, अपने ही हाथों हनुमत सीने को फाड़ ही डाला। सीने में मनोहर मूर्ति जब सिया राम की देखी, मुँह नीचे हुए सभी के जो बगाड़ रहे थे शेखी। विभीषण जी फिर गिरे चरणों में, देख सभा सद सारे, बीच सभा हनुमत के भक्त गूंज रहे जयकारे। मेरे सतगुरु श्री करण सिंह मुझको भेद बताया, कमल सिंह हनुमत ने भक्त सिया राम ही गाया। जहाँ कथा हो प्रभु राम की हनुमत वहाँ पे आते,
पवन पुत्र बजरंग बली की पावन कथा सुनाते। बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय, बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय, बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय, बोलो हनुमान की जय, बोलो बजरंगी की जय। आज तुम्हें बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री हनुमान की महिमा भक्तों तुम्हें बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, संकट मोचन बन निज भक्तों के कष्ट मिटाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री हनुमान की महिमा भक्तों तुम्हें बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम, हे राम भक्त हनुमान तुम्हें बारंबार प्रणाम। राम के सन्मुख रावण जब रण में थाया, देख के राम प्रभु की शक्ति असुर भी घबराया। अपने भाई यही रावण को महल में बुलवाया, रण की सारी बातें यही रावण को बतलाया। मदद करो हे भाई, रण में होने लगी है हार, राम लखन के आगे तेरा भाई पड़ा लाचार। राम और लक्ष्मण दोनों हैं बड़े ही शक्तिशाली, असुरों की लंका नगरी की करनी है रखवाली। भय लगता है पवन पुत्र जब गदा उठाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री हनुमान की महिमा भक्तों तुम्हें बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, रावण की बातें सुनकर अहि रावण मुस्काया। आधी रात श्री राम सेना की तंबू में आया, अपनी माया से सबको ही मूर्छित कर डाला। लेके चल दिया राम लखन को असुर वो मतवाला, लंका से पातालपुरी में अहि रावण तब आया। राम लखन दोनों भाई को संग में बुलाया, सुबह हुई तो रामा दल में मच गया हाहाकार। विकट समस्या आन पड़ी सब करने लगे विचार, तब वही रावण का राज विभीषण सबको बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री हनुमान की महिमा भक्तों तुम्हें बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, विभीषण जी पवन पुत्र के सन्मुख में तब आए, कैसे मरे अहि रावण बजरंगी को बतलाए। देर करो ना पवन पुत्र अब यथा शीघ्र जाओ, राम लखन संकट में फंसे हैं जाके उन्हें लाओ। विभीषण की बातें सुन के क्रोध से हो गए लाल, बिना विलंब किए बजरंगी जा पहुँचे पाता। भारी गर्ज न कपी किए समंदर थर्राया, पातालपुरी का रखवाला मकर ध्वज तब आया। तब हनुमान ने क्या किया आगे बतलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री हनुमान की महिमा भक्तों तुम्हें बताते हैं। हम कथा सुनाते हैं, हे राम
रुक जा बंदर, यहाँ का मैं हूँ रखवाला। किसी भी हाल में तू नहीं है अंदर जाने वाला। कुशल चाहे तो भाग के अपनी जान बचाओ तुम, अभी यहाँ से चले जाओ ना देर लगाओ तुम। वरना मेरे हाथों से तू बच ना पाएगा, मैं चाहूँ तो एक पल में तू मारा जाएगा। मेरे सामने धरा पे कोई नहीं है शक्तिशाली, मेरा किया हुआ वार कभी भी जाता नहीं है खाली। मकर ध्वज की मूर्खता पर हनुमत मुस्काते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री हनुमान की महिमा भक्तों तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मकर ध्वज पे बजरंगी ने वज्र किया संधान, पकड़ा वज्र को मकर ध्वज और कर दिया नाकाम। मकर ध्वज की देख के शक्ति चकित हुए हनुमान, बोला मकर ध्वज आज न बचने पाए तेरी जान। दोनों योद्धाओं के बीच में युद्ध हुआ घमासान, कभी मकर ध्वज भारी पड़े और कभी पड़े हनुमान। दोनों योद्धा शक्ति में लगते थे एक समान, देख के एक दूजे की शक्ति दोनों थे हैरान। बिना रुके एक पल भी दोनों लड़ते जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री हनुमान की महिमा भक्तों तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। थक के चूर हुए कुछ समझ नहीं पाए, हनुमत पूछे के बोलो तुम कौन कहां से आए। बोला मकर ध्वज मेरे पिता है बलशाली हनुमान, परम तेजस्वी महावीर की मैं तो हूँ संतान। हनुमत बोले तू झूठा, झूठी तेरी पहचान, ब्रह्मचारी हूँ मैं तो फिर मेरी कैसी संतान। लंका दहन की घटना मकर ध्वज उनको बतलाया, पूछ गिरा जब समुद्र में तो मछली ने खाया। मछली मेरी माता मकर ध्वज हम कहलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री हनुमान की महिमा भक्तों तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मकर ध्वज की बातें सुन दिल हनुमत का भर आया, अपने प्यारे पुत्र को बजरंगी ने गले लगाया। लेके विदा मकर ध्वज से पातालपुरी तब आए, राम लखन को बंधा देख हनुमान जी फिर गुस्साए। बलि चढ़ाने की यही रावण कर रहा था तैयारी, लघु रूप ले पवन पुत्र पड़ मायावी पे भारी। पंचमुखी अवतार लिए कपि पांचो दिया बुझाए, फिर संहारे अहि रावण और राम लखन को उठाए। राम लखन को काल के मुँह से बचा के लाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री हनुमान की महिमा भक्तों तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं। पंचमुखी हनुमान प्रभु की लीला है न्यारी, निज भक्तों की हनुमान जी करते हैं रखवारी।
मंगल जन में मंगल करते मंगल में भगवान, जो भी पूजे मनोकामना पूर्ण करे हनुमान। बल बुद्धि विद्या देते हैं और भरे ज्ञान भंडार, संकट मोचन हनुमान की महिमा अपरंपार। अमर हो गए सिया राम से पाकर के वरदान, कलयुग में भक्तों की रक्षा करते हैं हनुमान। सारे भक्त इनके चरणों में शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, श्री हनुमान की महिमा भक्तों तुम्हें बताते हैं, हम कथा सुनाते हैं।